भाई साहब ये रिक्शा देख लो यार, यार क्या सही चीज है यार, ये देख लो यार, यहाँ पे चाइना की भैंस, यहाँ पे सारे गांव के लोग देख लो यार, यहाँ पे खेत है और यहाँ पे भाई कंपटीशन चल रहा है लोकल गांव में देसी स्टाइल में भाई, ये देखो सारा चेयर चल रहे क्या क्या हो गया इसको, यहाँ पे ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर भाई हमको देख के वो पलट के आ गए वापस। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, मैं विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिक्स। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में गाइस फ्रॉम चाइना। यार गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे यूनशियाओ, यूनशियाई बोलते हैं भाई इसको, यूनशियाओ मतलब होता है बादल हिंदी में बोले तो और अंग्रेजी में बोले तो क्लाउड। और इन भाई को अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना तो यार अगर आप लोगों ने चाइना के वीडियोस देखे हैं तो ये भाई कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं 19 से यहाँ पे हूँ, 2019 से। 19 से? अच्छा, 19 से ही मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे चाइना के, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने लगाए, बट काफी 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 बढ़िया वीडियोस बनाते हैं गाइस। इनको मैंने चाइना के बारे में रिसर्च करते टाइम ही पता करा था इनके बारे में। निरंजन आपका नाम? हाँ, राजस्थान से। Yes. चलो तो यहाँ पे इनके साथ आए हैं यूनशियाओ में और यहाँ पे देखते हैं भाई के साथ की क्या कर सकते हैं। काफी काफी ऑफबीट सी लोकेशन लग रही है मेरे को, देख सकते हो आप लोग, मॉडर्न वर्ल्ड से काफी अलग बोल सकते हो आप लोग। ये देख लो भाई, ये हैं चाइना के रूरल साइड ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक आप लोग को मैंने जितना भी टेक्नोलॉजी, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो दिखाए थे मैंने आप लोगों को, ये काफी अलग चाइना लग रहा है यार मेरे को। मतलब थोड़ी बहुत मुझे वाइब जो जियाजी में दिखाया था मैंने आप लोगों को, थोड़ा बहुत वैसा वाइब आ रहा है। आप छोटे से कस्बे में हो, यहाँ चाइना का ना कस्बा है। अच्छा, हाँ, आप चाइना के एक छोटे कस्बे में हो जिसे यहाँ यूनशियाओशियन बोलते हैं, और यहाँ जो ट्रक चलते हैं ना, हाँ, इन ट्रक को भी ऊपर से जैसे जिसमें लोडिंग व्हीकल्स होते हैं कचरा, हाँ, वचरा या जिसमें थोड़ा मिट्टी कंक्रीट जाता है उसको कवर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अच्छा, बिना कवर के ऐसे ले जाओ, ऊपर से खुला, हाँ, खुला नहीं लेके जाते हैं तो बढ़िया, और हॉर्न नहीं बजे थे कहीं भी। सही बोल रहे हो, यहाँ नहीं सुनने को मिलेगा, होगा तो भी वो ऐसा होगा कि सुन के मजा आएगा, ऐसा सोचेगा अरे यार ये तो बार बार बजे तो। और यहाँ पे भाई आप लोगों को चाइना में गाड़ियों में भी ये क्या क्या है निरंजन भाई, ये माला है और ये अच्छा, ना पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, चाइना के जो लोग हैं वो पूजा पाठ करने में बड़ा विश्वास करते हैं, कर्म कांड करते हैं। चाइना के अपने भगवान है जो भारत के जो सनातनी भगवान है ना अपने, हाँ, यमराज है, शंकर, हाँ, भगवान है, ठीक उनसे मिलते जुलते हैं, बस उनका रंग रूप बदल जाता है, यहाँ थोड़ा चाइनीजकरण हो जाता है उनका। तो ऐसे इनके बिलीफ के सारे ये मालाएं बोल रहे हो ना, पूजा पाठ करने वाले गले में भी माला पहनते हैं। जैसे भारत का जो कल्चर है ना, हाँ, एक्चुअली जो भारत का पुराना जो कल्चर है वही, हाँ, चाइना आया था पुराने काल में। तो यू समझिए कि जो सनातन का जो कल्चर है ना, हाँ, उसकी जो रूट्स हैं वो चाइना में भी आपको वैसी देखने मिल जाती है, हाँ, अगर आप खुले दिमाग से सोचे तो। बाकी देखो आप बायस्ड होके सोचते हो तो आपको कोई भी समझा नहीं सकता, सही बात, कोई भी आपके लिए कुछ भला नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले से एक माइंड सेट कर। सही बात है, सही बात है, सही बात। तो भाई मेरे को यार निरंजन भाई बोल रहे हैं ये जो प्लेस है यार देखने में तो मुझे यार शहर से कम नहीं लग रहा है पूरा, इतना रोड वोड इतना बढ़िया यहाँ पे, बट हमारे निरंजन भाई बोल रहे हैं चाइना का सबसे छोटा छोटा गांव है ये, दो दो तीन तीन लेन के रोड्स हैं यहाँ पे, इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीनलीनेस देखो यहाँ पे, लोग इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं चाइना के कस्बा में। हाँ हाँ, वो तो हाँ, कस्बे में भी दोस्तों आपके दिमाग में होता होगा ना कि चाइना में तो सब लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। आज आपको पूर्ण शाकाहारी भोजनालय में भी लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ जितने भी ये शाकाहारी भोजनालय होते हैं ना उनके ऊपर ये जो येलो कलर का जो ये रहता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, तो आप समझ सकते हो जैसे इंडिया में हरे कलर में लिखता है ना, मोस्टली जहाँ पे पूरा ऐसा जो येलो येलो दिखता है उसमें आपको संभावना होती है कि इसमें वेजिटेरियन मिलेगा। ये काफी नई चीज बताया भाई ने, ये तो मुझे खुद नहीं पता था। तो यहाँ पे निरंजन भाई काफी नई चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे येलो कलर के रेस्टोरेंट में यार वेजिटेरियन खाना मिलता है। निरंजन भाई हमारे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन होके यहाँ पे चाइना में रह रहे हैं भाई, ये पूरा वेजिटेरियन खाना बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं तो काफी सरप्राइज हूँ भाई बोल रहे हैं, यहाँ पे चाइना में वेजिटेरियन खाना भी बहुत खाते हैं। इसमें ना यहाँ के समोसे पक रहे हैं चाइना के, तो समोसे। ओह भाई साहब, तो यहाँ पे नूडल्स, वो ये नूडल्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स होती है, और ये जो फ्लैट नूडल्स होते हैं वो हैं, इधर सफेद राइस है, हाँ, जो फ्राइड राइस है। अरे बढ़िया यार, बढ़िया, सारी वेजिटेबल्स हैं।
और इसका जो पैसा है देख के तो आप चौंक जाओगे, यहाँ पैसा है 15 आरंभी, एक जन का 15 आरंभी, तो 12 से गुना कर लो तो लगभग कितना बनता है? 150-200 रुपए, 200 रुपए संको पेट भर के। हाँ, उधर बहुत सारा सामान और बाकी है, फ्रूट्स मिलेगा और आपको पीने को जो इनके ड्रिंक्स होते हैं वो मिलेंगे, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड 15 आरंभी में। तो बताओ यार, ये तो मेरे लिए भी काफी नई चीज है यार, मैंने खुद नहीं अब तक इतना एक्सप्लोर करा, इतना भाई बता रहे मेरे को। क्योंकि भाई ये एक टाउन है चाइना का, तो ये क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब कंपनीज भी नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं रेस्टोरेंट में सारे मतलब एज लोग ही देखने को मिल रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने पूरे चाइना में कहीं नहीं देखा। एक्चुअली चाइना में जो एज लोग पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, पर यूजली बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट में बस यंग लोग ही मैंने देखे हैं, बट इतने ओल्ड लोग मैं पहली बार ही कोई जगह पर देख रहा हूँ, क्योंकि ये टाउन है और यहाँ पे इतनी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग यंग लोग काम करने आए। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न, आप लोगों को यहाँ पे हर जगह जो बूढ़े लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे आप लोग माहौल देख सकते हो भाई, ये चीज़ आप लोगों को चाइना में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे भाई देख सकते हो। इंडिया की भाषा में बोले तो ये हवन कुंड है, जिसके अंदर इनके पवित्र कागज होते हैं वो जलाते हैं, और इनकी जो राख होती है ना, इसको देखिए लॉक करके रखा है उसको, फिर वैसे ही मंदिर के साथ में एक जो सरोवर होता है उसमें उसको डिस्पोज करते हैं, ऐसे ना आपको उस राख को उड़ने नहीं देते कहीं। गाइस यहाँ पे देख लो घर वगैरह देख लो आप लोग, ये टाउन है यहाँ पे एक चाइना में, एंड ऐसे कस्बा में भाई आप लोग घर देख लो, काफ़ी अलग किस्म के घर मिलेंगे आप लोग, जो मैंने शंघाई और जितने भी अलग अलग शेंजन वगैरह जगहों पे मैंने दिखाए थे। स्काई स्क्रैपर्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जो घर है वो काफ़ी लो की देखने को मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं मेरे को। एंड भाई हमारे निरंजन भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे भाई हर घर का 80 साल का पीरियड होता है, 80 साल में घर को तोड़ के फिर नया घर बनाना होता है। हाँ, गवर्नमेंट नया मकान बना देती है और उसका कंपनसेशन देते हैं वैसे ही। हाँ, और ये देखो ऐसे रिक्शे होते हैं। ओ भाई साहब, ये रिक्शा देख लो यार, ये 5 आरंभी में आपको कहीं भी जाना हो शहर में आप जा सकते हो, 5 आरंभी तो। हाँ, और ये इलेक्ट्रिक रिक्शे होते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा। हाँ हाँ यार, क्या सही चीज़ है यार, ये देख लो। तो ये भाई आप लोगों को यिनशाओ प्रोविंस में देखने को मिल जाता है, जो आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट भी करा था कि यार हमको कुछ अलग देखना चाइना का, हम लोग शहर से बोर हो चुके हैं, जो बड़े शहर है। तो यही चीज़ है गाइस, चाइना जो रियल लाइफ है यहाँ पे चाइना की, जो नॉर्मल ज़िंदगी है बड़े शहर को छोड़ के, और जो एक्चुअल लाइफ है चाइना की, जो अगर हम पुरानी हिस्ट्री की भी बात करें। देख लो भाई, कोई ठेले में यहाँ पे भाई केला और थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे, और ये देख लो भाई यहाँ पे इनका ये टोपी, जो काफ़ी हद तक जो एशिया साउथ एशिया में काफ़ी देखने को मिल जाता है, वियतनाम वगैरह में भी आप लोग ऐसे देखने को मिल जाता है। और ये सारा पूरा माहौल है गाइस, यहाँ पे कोई हसल वसल नहीं है, लाइफ बहुत बहुत ही मतलब प्यारी लाइफ है यहाँ पे, बहुत स्लो लाइफ है। जैसे हर बड़े बड़े शहर में लोग भागते रहते हैं हर जगह, वो भागने वाली लाइफ यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली, काफ़ी मतलब चिल टाइप लाइफ है यहाँ पे। इन भाई साहब को देखो, ये देख लो यहाँ पे साइकिल मैंने देखे थे इसके पहले चाइना में रेंट करने वाले, बट ये यहाँ पे भाई बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक। कितना इलेक्ट्रिक बाइक है? हाँ। इस पे देखो ये कोड लगा है, इस कोड को स्कैन करो, 20 रुपये लगते हैं इंडिया के, और इसको आप 40 मिनट तक कहीं भी लेके जाओ, फिर आपको जैसे सही है ना फुटपाथ पे ऐसी पट्टियां लगी रहती है इसके ऊपर, इसको खड़ा करो मोबाइल से अपना वो क्लोज कर दो, 20 रुपये लगेंगे 40 मिनट के लिए आराम से। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक भी रेंट पे हो रही है भाई। यहाँ पे जो यूनशियान का जो सब्जी मार्केट है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे, बट टाउन में भाई यहाँ पे सब्जियाँ कैसे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जी मार्केट भाई खुले में नहीं लगती बोल रहे हैं भाई, ऐसे भाई एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग है जहाँ पे यार जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब्जी वगैरह बेच रहे हैं। पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे मीट वगैरह भी बेच रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, सब कुछ ही है यहाँ पे, सब्जी वगैरह, इन शॉर्ट जो यहाँ पे लोकल मार्केट होती है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे एसी है भाई, एंड ये सारे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट, लोकल मार्केट। निहाओ, ये देखो ये कीड़े मकोड़े हैं की दुकान है। अच्छा, और ये देखो झिंगे मिंगे। अच्छा, ये मछलियाँ हैं और ये भी मछली है। अच्छा, मछली है, ये बड़ा मछला है जो सांप जैसा होता है। अच्छा, ये केकड़ा होता है, हाथ देके भी नहीं पकड़ सकते। अच्छा, यहाँ पे सबसे मतलब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सब कुछ खा लेते हैं, सही में सब कुछ खा लेते हैं यहाँ, सब कुछ खा लेते हैं। अब मैंने YouTube पे मैंने वीडियो में दिखाया था कि वो कुछ लड़की है वो केकड़ा खा रही थी, मैंने कहा अब ये लड़की इसको खा जाएगी, इतनी सुंदर लड़की, तो लोग कमेंट करते बोलते हैं यार तुम ऐसे मत बोलो, इतनी सुंदर लड़की है। इतनी क्यूट लड़की है, मैंने कहा ये क्यूट होती है लेकिन वो खा सब कुछ जाती है, ये कहीं बदबू नहीं आएगी, इतना पूरा इधर है ना जो मीट का मार्केट है, लेकिन बदबू कहीं भी आपको नहीं मिलती है, स्मेल है नहीं। सही बात है, ठंडी है अंदर, एयर कंडीशनिंग चल रहा है।
नहीं तो नॉर्मली फिश मार्केट में जाने से जो स्मेल आती है वो यहाँ पे उतनी हाई इंटेंसिटी की स्मेल यहाँ पे आपको देखने में मिलेगी। और यहाँ पे देख लो ये सारे अगेन जो नॉर्मल किराना की दुकान है, यहाँ पे लहसुन बेच रहे हैं यहाँ पे। और निहाओ निहाओ ये क्या झींगे हैं, अगेन झींगा ये सुखाए हुए श्रिंक है अंग्रेजी में। अच्छा श्रिंप ड्राई श्रिंप। ये देख लो भाई यहाँ पे सारे सब्जियाँ निहाओ। चाइनीज में इनको बोलते हैं सू चाय। ये सुअर का है इधर। अच्छा ये पोर्क है ये। यहाँ पे आपको इसमें तो वो दिख नहीं रहा जो कुत्ते का बिल्ली का इधर दिख नहीं रहा, लेकिन अच्छा वो भी होता है कुत्ते बिल्ली का भी आपको कहीं। क्रेजी भाई साहब। और यहाँ पे आप लोग हर जगह भाई इस तरफ देख लो खेती भाई हर जगह। यहाँ पे मैक्सिमम क्या खेती करते हैं भाई जी? यहाँ देखो चावल बो रखा है, चावल की खेती करते हैं, इसके अलावा मक्का की खेती करते हैं, फूल गोभी की करते हैं, पत्ता गोभी की करते हैं। हाँ। और ये यहाँ की मोस्टली खेती होती है। हाँ। बाकी तो कीड़े मकोड़े की खेती होती है यहाँ पे। अच्छा कीड़े मकोड़े मतलब? मतलब जो श्रिंक होते हैं जिनको आर्टिफिशियली यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। देखिए छोटा गाँव है। अच्छा और इस तरफ ये थोड़े किसान वगैरह है ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ फ्लावर है, ये धान की खेती है जिसे चावल बोलते हैं। सही बात है। यहाँ देख लो भाई आप लोग थोड़े बहुत किसान लोग यहाँ पे भाई आप लोग काम करते मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है भाई? एक आर्टिफिशियल खेती होती है यहाँ पे। अच्छा कीड़े मकोड़े होते हैं ना। अच्छा तो ये फ्रेश वाटर बना रहे हैं, सी फूड निकालते हैं कुछ। ये जो सी फूड के प्रोडक्शन करने का होता है वो जो पानी है वो स्थिर न रहना चाहिए। अच्छा तो उसके लिए ये मशीनरी से इसको चलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि ये स्टिल वाटर है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा वाटर। मूव नहीं कर रहा तो इसको आर्टिफिशियली मूव कर रहे हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े खाना चाहते हैं वो जिंदा रह पाए। बस वो कीड़े मकोड़ों को चाहिए फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर अच्छा सही है। तो ये भाई हमें मूविंग वाटर करने के लिए भाई उन्होंने मशीन लगा कर रखा है। ये भाई ऐसे ऐसे चीजें आप लोग भाई गाँव में भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। पूरा पोली फार्मिंग का है। जब यहाँ टमाटर की खेती करते हैं तो इसको कवर करके करते हैं। अभी इन्होंने ना टमाटर का सीजन नहीं है यहाँ। अच्छा तो इन्होंने यहाँ चावल लगा रखा है जिसे धान की खेती बोलते हैं ना। अच्छा तो धान की खेती कर दी है और इसको अनकवर कर दिया है ऊपर से। अच्छा तो इसको कवर करके टमाटर की खेती करते हैं। टमाटर की खेती करते हैं यहाँ, टमाटर बहुत खाते हैं चाइना में। एक बात बोलना चाहूंगा, आप ना दिमाग में कभी इंडिया के गांव से चाइना का गांव कंपेयर मत करना, क्योंकि दोनों देश एक नहीं है, दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो एक नहीं है। तो आप ये कहोगे अरे तो गांव थोड़ी है तो ये है वो है। तो देखो यहाँ का तो गांव यही है, बाकी हर राज्य का अलग अलग गांव होता है। तो यहाँ आप देखो भाई गाँव, अभी कोई गाय भैंस बकरी भी दिख जाएगी आपको। हाँ ये कम से कम ये है 90 ईयर्स। अच्छा 90 ईयर्स के ये। एक्चुअली गाइस मेरे को लगता है इसके पहले एक्चुअली चाइना में काफी टूरिस्टी विलेजेस भी है, बट आई थिंक ये काफी ऑफ द बीट विलेज बोलूंगा, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ टूरिस्ट को आई थिंक चांस नहीं मिलता होगा यहाँ तक आने का। जो है एक्चुअल रियल जो विलेजेस बोल सकते हो आप लोग चाइना का जो एक्चुअली में है, इसमें कोई भी आपको बनावटी देखने को नहीं मिलेगा। रियलिटी में जो गाँव है चाइना के जैसे है वही दिखा रहे भाई हम लोग। भाई हम लोग पूरे अभी खेत से घिरे हुए हैं, एक रोड यहाँ पे गुजर रही है, डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइड के ऊपर लाइटिंग होती है, लाइट लगी है ऊपर, लाइट लगी है। हाँ लाइट लगी है और ये रात को लाइटिंग होती है, पूरा रास्ता ऐसे जगमगाता है चाहे गांव हो चाहे शहर। ये देखो भाई भाई जी क्या बेच रहे हैं, लीची बेच रहे हैं भाई जी। निहाओ घर से बता रहा हूँ, ये कुछ अलग ही चाइना है यार। मैंने अभी तक बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे हैं चाइना में, बट ये साइड ऑफ चाइना यार मैं पहली बार देख रहा हूँ आज। एंड यहाँ पे मैक्सिमम जैसे इसके पहले मैंने कहा था, मैक्सिमम जितनी भी जनता है आप लोग ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन मैक्सिमम लोग शहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और जो ओल्ड लोग हैं वही मेजोरिटी जो गाँव के एरिया में वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। यार ये देख लो यहाँ पे कुछ तो यार गाँव में काफ़ी ट्रेडिशनल सा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे सारे लोग यार बोट में रेस लगा रहे हैं। देख लो भाई भाई क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है यार। ये देखो कुछ तो यहाँ पे भाई इवेंट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लोग देखो बैठे हैं यहाँ पे गांव में, ऐसे नॉर्मली लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ पे हर जगह देख लो भाई पब्लिक जनता भाई।
ओ भाई साहब, भाई काफी काफी देसी टाइप जो हमारे गांव में स्पोर्टिंग इवेंट होती है भाई, वैसी सिमिलर थी भाई, भाई पूरे आसपास में भाई लोग देख लो, लोग सारे खड़े हैं, लोग चीयर कर रहे हैं अपने लोगों को जो भी इनकी रेस हो रही है, और एकदम भाई सही होता है, एकदम प्रॉपर गांव वाली भाई यार चाइना की देख लो, हर जगह से देख लो, यहाँ पे भाई सारे लोग तालियां बजा रहे हैं और दूर दूर से लोग घर से आए हैं भाई, ये देख लो भाई यहाँ पे गाँव के लोग सारे लोग यार सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, निहा सारे लोग इतने सरप्राइज हो रहे हैं कि भाई हमारे गांव में फॉरेनर कैसे आ गया, ये लोग बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं है गाइस, और यहाँ पे हर जगह खेत देख सकते हो आप लोग, ये घर वगैरह इनके, और यहाँ पे भाई कुछ अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यार, इतनी ज्यादा एनर्जी है ना भाई जगह पे, जैसे वो गाँव में वो कुश्ती वगैरह नहीं लड़ते हमारे इंडिया में, पूरी वैसी सिमिलर सी पूरी माहौल है, लोग चीयर कर रहे हैं और ऐसी कुछ एक घंटे तक ऐसे ही ये लोग नाव में चलाते रहेंगे ऐसे बोल रहे हैं यार एक घंटे तक, यार ये देख लो यार यहाँ पे चाइना की भैंस, यार आई कांट बिलीव कि मैं चाइना का ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे सब चल के देखते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे जितने गाँव के लोग हैं यहाँ धीरे जितने भी गाँव के लोग हैं धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे सारे गाँव के लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे खेत है और यहाँ पे भाई कंपटीशन चल रहा है लोकल गांव में देसी स्टाइल में भाई, ये देखो सारे चेयर करते हैं, हाँ हेलो निहा निहा, यहाँ पे थोड़े बहुत लोकल लोग गांव के लोग निहा गुड 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 फ्रॉम इंदू 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 इंदू, ओ भाई साहब क्या चीज थी यार ये, मतलब धड़कन जो है रुकी नहीं, मतलब तेज ही रही है हरदम, जितना भी इन्होंने टाइम कराया कुछ ना आधे घंटे 45 मिनट तक, क्या बोल सी सी क्या बोल क्या हो गया इसको, हाउ आर यू, फाइन हाउ सीसी सीसी वेरी गुड वेरी गुड, वामन सी इन तो इन तो इन तो क्या वो सरप्राइज हो रही है आप चाइनीज बोल रहे हो तो ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर्स भाई हमको देख के वो पलट के आ गए वापस, सोचिए भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेनर्स, तो हमारे भाई बोल रहे हैं यहाँ पे फॉरेनर कम देखते हैं लोग यहाँ पे, तो हाँ तो फॉरेनर देख लिया तो वो इतना एक्साइटेड हो गया, यहाँ पे चाइना में थोड़े बहुत जगह पे देखने को मिल जाता है मेरे को, यहाँ पे बस फोटो वगैरह फोटो वगैरह ले रहे सारे लोग, भाई तो यहाँ पे निरंजन भाई के साथ उनके कोई लोकल फ्रेंड्स लोगों के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं, और पता नहीं मैं आपको दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ खाना खाने से पहले, पर एनी वेज यहाँ पे एक तो चीज़ देख लो, अब हर रेस्टोरेंट में आप लोगों को पानी ना सी फूड के लिए पूरा फ्लोइंग वाटर मिलेगा, जैसे मैं इसके पहले भी कह रहा था आपको कि ये जितना भी फ्रेश है चीज़ों को फ्रेश रखने जाते हैं और फ्लोइंग वाटर में चीज़ें फ्रेश रहती है, और ऐसे देखते देखते भाई मेरी चीज़ पड़ी यहाँ पे, ये देख लो भाई ये चीज़ है भाई मेंढक है भाई ये देखो हिल भाई यार क्या है, और ये देख लिया मैंने, अब मुझे यहाँ पे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे करेंगे, निरंजन भाई है यार वो वेजिटेरियन है कैसे रह रहे हैं यहाँ पे चाइना में समझ नहीं आ रहा जी, यार हम लोगों ने यार मैंने हिम्मत करी अभी और हम यहाँ पे हमारे भाई जी के साथ यहाँ पे काफी शाही सा खाना खिलाने के लेके आए हमारे यहाँ पे भाई जी के लिए, चिकन आया है, हाँ जी ये बेबी कुकुम्बर होता है, और इसके बाद में ये देखिए ये झींगे मेंगे आ गए आपके, श्रिंप बोलते हैं श्रिंप, ये सतावर है, अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान भी आना बाकी है जो अभी, तो ऐसे चाइना में भाई ऐसे सामूहिक खाना ऐसे गोल करके ऐसे खाते हैं ना, चीयर्स भाई,
गलत मत समझना। ये है शाम्भो सुंदर सी कन्या। अच्छा, ये है सुंदर सी कन्या जिसका नाम है होए होए। होए 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 इनका नाम होए होए। फिर से एक सुंदर कन्या जिसका नाम है शाफी। यह है मेन्यू जिसका नाम है मेमे। मेमे कन्या। तो ये चारों बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। 20,000 रुपए की। अच्छा, इनकी स्कूटी देखो 20,000 रुपए की आती है। यार स्कूटी देखो यार कितनी सही है। ये कहता है एमा की है और आराम से इसमें बस दो लोग बैठ भी गए आराम से। तो यहाँ पे हमारे भाई जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो क्यूट लड़कियाँ होती हैं वो ये छोटी गाड़ी चलाती है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भाई गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लोगों के। ये हैवी ड्राइवर भाई कौन सी है ये? अच्छा, हैवी ड्राइवर की। इसके लिए इसके ऊपर बैठने के लिए 5 आरएम भी देना पड़ता है, फिर 5 आरएम में कहीं जाओगे। यार फिर गाड़ी कितनी सही है यार, ये देखो छोटी सी एकदम स्कूटी, वो जो बच्चों बच्चे चलाते हैं ना वैसी वैसी गाड़ी है एकदम।